आमे राज्य सरकार ओडिशार जनसाधारण विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना नवीन कार्ड उन्मोचन कले आज प्रसंगे राज्यर एक कोटी 20 लाख लोक जो मैंने ग्रामांचल अच्छा समस्त ग्रामांचल लोक मैंने कार्ड्रे अंतर्भुक्त हे भल कथा लोक मैंने स्वास्थ्य सेवा पाइबे उन्नत मानर ना लोक मानक स्वास्थ्य पर बीमा कार्ड मिल किंतु प्रथम कथा है सरकार को पाखरे इबुली वैमात्रिक मनोभाव कहीं सरकार कहीं निष्पत्ति नेले जो मैंने सरकारी चाकरिया एवं जो मैंने इनकम टैक्स पे से प्रकार जो योजनारु बाहर करागला से हिताधिकारी हो पारे ना प्रश्नटी हूँ समस्ते कौन जो मैंने इनकम टैक्स दौंती इनकम टैक्स SSC समस्ते कौन टैक्स पेमेंट करछन्ती नील रिटर्न फाइल करछन्ती जत्ते लोक इनकम टैक्स SSC अछन्ती पाखापाखी 30% लोक 20-30% लोक केवल नील रिटर्न फाइल करछन्ती अर्थात से माने 3 लाख टंका रोजगार करुथुले से माने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करछन्ती अर्थात वर्ष मासक केते 25,000 टंका रोजगार करी गुटे परिवार 4 जन लोक धरी चलिबा एवं तार आर्थिक समस्या को समाधान हो पारे आजिकल जो प्रकार दरदाम वृद्धि घटी तेणु से भली वर्ग को छाड़देटा गोटे भूल निष्पत्ति से नहीं कहीं एक द्वितीय कथा सब कर्मचारी कौन लक्ष 1.5 लाख दरमा पाँच कौ मैंने भी 30-40 हजार भितर काम कर सरकार दरमा कौन समस्त प्रतिमास मिलू अधिकांश शिक्षक मान मिलूना यपरिक कलेजर विभिन्न वर्गर शिक्षक मानूना बहु कर्मचारी अच्छा जो मैंने 15,000, 20,000, 18,000, 25,000, 30,000 दरमा पाँच से घरे खाई पी घर खर्च कर टा बढ़ी से स्वास्थ्य सेवाप आजिकल जो प्रकार सब नुआ नुआ रोग सृष्टि है अत्यंत व्ययबह से इनक्लूड नक गोटे भूल निष्पत्ति कांग्रेस से सरकार को आउ थे दाबी करूँ कहीं ना एक द्वितीय कथाटी ओडिशार जनसाधारण को गोटे स्वास्थ्य बीमा कार्ड धरईदे ओडिशार कौन स्वास्थ्य व्यवस्था परिवर्तन हेरीगला कि ना राज्य सरकार निज दायित्व को निर्वाह करे ना बोली स्वास्थ्य बीमा कार्ड धरईदे चुप बसीगले प्रथम कथाटी आपण कहतु ओडिशार सहरांचल मात्र समुदाय जनसंख्यार 18% रहती बाकी 91% लोक कौट रहा ग्रामांचल ग्रामांचल आपण कौन प्रकार ए प्रकार जो आमरी हो आपोलो हो कलिंगा हो कि बड़ बड़ हॉस्पिटल पाइबे ना कौन सी 30 जिला आप देखूँ से सदर महकुमार एभली उन्नत मानर हॉस्पिटल ना जहाँ कि अच्छी से गुड़िकर उन्नत मानर डाक्तर ना इनक्लूड करदे से गले से कोई प्रकार स्वास्थ्य सेवा पाइबे पाईपरें ना तेणु आपण जदि जिला स्तर में सब डिविजन स्तर में सरकारी हॉस्पिटल गुड़िकर उन्नतीकरण करिवे नाही सेठी पारामेडिकल स्टाफ रखिबे नाही डाक्टर रखिबे नाही उन्नत धरणर जंत्रपाती रखिबे नाही एवं ताकु चलेया पई लोकंकु नियुक्ति देबे नाही ताले स्वास्थ्य सेवा गुडे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा अपन राज्यवासी को जोगै दे परिबे नाही समस्त कार्ड धरले कोन हबो मने करा जाउ मालकानगिरीर एक उपांत अंचल रे जणे लोकंकु कार्डियाक अरेस्ट हेला से कार्डटी अथाइ पारे तापकु से कोन स्वास्थ्य सेवा पाइ जिवो ताकु आम्बुलेंस टे मिलुचे दुर्गम अंचल रे रास्ता नाही परा एयर आंबुलांस कथा सरकार कहते कतोटी एयर आंबुलांस लोक अणगला आज भी खटिया बुहा जा समस्त सरकारी हॉस्पिटल एभली कि PHC CHC एवं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पखापाखि 60 भाग डाक्तर पदवी फांका पड़ी सारा राज्य में 45,000 नर्सेस और पारामेडिक्स पदवी फांका पड़ी वर्ष वर्ष धरी राज्य सरकार नियुक्ति देवाई चाहूना कारण राज्य सरकार कौन सी दायित्व नापी चाहूना केवल बाह बाह गणमाध्यम नापी योजना करोजनार फल कौ मैंने पाइबे केवल प्राइवेट हॉस्पिटल व्यवसायी मैंने पाइबे यद्वारा राज्यर कौन विकास घटव राज्यर युवक मैंने समस्ते कौन सहर को रोग को धरिक पलि आसपर यह संभव नुहे यह केवल संभव नुहे आ राज्य सरकार से आदू चिंता करूना
ଏଥିରୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ତ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଥିଲା ତ ବିଜୁ ସରକାର ବିଏସକେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ସେଇ କଥାଟି ତ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ପୁଣି କହିବେ କହିଲେ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହ ତାଙ୍କ ଦଳର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ନବୀନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାରି ଆଇ ଏମ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ନବୀନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ କଥା ସେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ କହୁନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି କେଉଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଜନା କଲା କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଏ କିଏ ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଟିଏ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଏତେ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ଧରିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ କି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେମିତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କି